हेड बटन्स होता है उसे शोल्डर करते हैं, शोल्डर रेडियस होता है, रेडियाई होता है, और जब सर्कुलर होता है इसमें लोडेड करते हैं। ट्रांसमिशन कहते हैं, ये सेकेंडरी ट्रांसमिशन होता है। इसमें क्या होता है कि सारी चीज़ें जो होती है, अभी हमारे यहाँ से आएगा जिले से 33 KV की लाइट आए लाइन आएगी, फिर ये क्या करेगा यहाँ से 11 KV को स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के द्वारा 11 KV में करके इसको फिर आगे की गांव की तरफ 11 KV का सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन भेजेगा। ठीक है, ये पूरा सबसे हमको क्या करना है कि अगर पावर मेजर करना है थ्री फेज का, अगर थ्री फेज का पावर मेजरमेंट करना है तो हमको 2 वाट मीटर की यहाँ पे आवश्यकता पड़ेगा। 1 वाट मीटर हमारा ये है जो पावर मेजरमेंट करेगा और दूसरा वाट मीटर ये है। ठीक है, अब इन दोनों वाट मीटर की सहायता से हम लोग क्या करते हैं, एक हमारे पास ये लोड है, ये हमारा लोड रेजिस्टेंस लोड है। ठीक है, ये हमारा कैसा लोड है, रेजिस्टेंस लोड है। अब ये रेजिस्टेंस लोड जो हमारा स्टार में कनेक्ट हुआ, क्योंकि यहाँ पे 6 टर्मिनल निकले, तीनों टर्मिनल को देखो कॉमन कर दिया गया यहाँ पे, और दूसरा वाला जो सिरा है इस सिरे को ला करके हम लोग RYB 3 फेजों में इसे यहाँ पे कनेक्शन कर देते हैं, करेंगे। ये हमारा रजिस्टिव लोड है। अब इस रजिस्टिव लोड, क्योंकि अलग अलग स्विच लगा हुआ लोड बढ़ाने और घटाने के लिए अलग अलग यहाँ पे परिपथ हमारा रजिस्टेंस है, तो हम लोग क्या करते हैं, अब जैसे लोड को बढ़ाओगे यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे लोड का वेरिएशन कर रहे हैं, लोड का वेरिएशन होगा, और जैसे जैसे यहाँ पे वेरिएशन होगा तो वैसे वैसे वाट मीटर में रीडिंग क्या होगा, बढ़ना चालू कर देगा। ठीक है, जैसे हमारा देखो एक वाट मीटर है यहाँ पे लगभग 150 वोल्टेज बता रहा है, 150 वाट